आईएमटी यूनिवर्सिटी को गर्व है कि हम लोग ये सेंट्रल जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल मेंस चैंपियनशिप 2023-24 का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये पहली बार हम लोग इसको कर पा रहे हैं और इसके लिए मैं यहाँ के हमारे जो डीन साहब हैं फिजिकल एजुकेशन के पटियाला साहब, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, तो और उनकी पूरी टीम को जो इन्होंने ये काम किया और बड़े कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। ये लोग अभी तक जो मुझे बताया गया है कि 41 टीम्स का पार्टिसिपेशन ऑलरेडी हो चुका है और 3-4 टीम और आने का अभी उम्मीद की जा रही, जो शाम तक आने की उम्मीद है। तो इस प्रकार हमारे पास 45 टीमें हो जाएंगी जो इसमें प्रतिभागी होंगे और ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है और इस प्रकार के खेल होने चाहिए। इससे दो प्रकार के फायदे होते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना आती है और दूसरा ये है कि जगह जगह हर यूनिवर्सिटी से जब बच्चे आते हैं, आपस में मिलते हैं, उनके अंदर एक सद्भावना पैदा होती है, उनके अंदर एक प्रेम पैदा होता है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पिछले 2 दिन से। और हार जीत तो स्पोर्ट्स में होती रहती है, हार जीत कोई विषय नहीं है, मगर सबसे बड़ा विषय है कि सबके अंदर प्रेम हो जाता है, सबका दोस्ती हो जाती है सब बच्चों के आपस के अंदर और खेल भावना से सब खेल रहे हैं, इसका हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं पुनः अपने सारे जितने भी हमारे टीचर्स हैं, स्टाफ हैं जो इसमें लगे हुए हैं, डॉक्टर एडविन साहब ने पूरा बंदोबस्त किया है उसके लिए, उनको बहुत मेहनत करी है उन्होंने और ये देख रहे हैं किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना परेशानी नहीं हो, उसके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक और क्वेश्चन है, जो यूथ अभी जो जितने भी प्लेयर हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? जो यूथ हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा यही मैसेज है कि वो मैंने आपको पहले बोला कि उनके अंदर जो भावना, जिस भावना से खेल रहे हैं, ये भावना बहुत ही उत्तम भावना है, सब लोग प्यार से खेल रहे हैं और सब लोग किसी कोई प्रकार की दुश्मनी नहीं है सबके अंदर, यही सबसे बड़ी बात है, सब पे प्रेम आना चाहिए।